कुछ दिन पहले मैंने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि असिस्टेंट कमिश्नर कैसे बनता है और उसका डेली की जो जॉब होती है वो कैसे होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। लेकिन आज जिस सर्विस के बारे में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। मुझे बहुत पसंद है और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन बहरहाल मैं मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट सर्विस के अंदर एलोकेट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी हियर। फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स अपनी जॉब के दौरान क्या करते हैं, उनकी सैलरीज़ कितनी होती हैं और उनके लिए जो है वो कौन से पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं, वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। नॉर्मली जब भी लोग CSS की प्रायोरिटीज़ रखते हैं तो टॉप पे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रखते हैं, उसके बाद पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान रखते हैं, थर्ड पे फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान रखते हैं। बहुत सारे मेरे जैसे लोग जिनका टेस्ट ज़्यादा इस तरफ होता है तो फॉरेन सर्विस को पहले नंबर पर भी रखते हैं। तो जब CSS का मेरिट बनता है तो फॉरेन सर्विस नॉर्मली मेरिट नंबर 30 से 50 के दरमियान जो है वो जो उस मेरिट पर आते हैं उनको एलोकेट होती है और वो लोग इसके ऑफिसर बनते हैं। फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी की तरह इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं होती हैं जिन्हें हम नॉर्मली लोग पावर कहते हैं, बल्कि उसके अंदर कुछ डिफरेंट तरह का काम होता है और काफ़ी डाइवर्स किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं। फॉरेन सर्विस के अंदर बाकी सर्विसेज से काफ़ी डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है और इसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इसका जो जॉब स्ट्रक्चर होता है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है, और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मौका मिलता है कि आप पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में रह के सर्व करें, और पाकिस्तान के अंदर भी ज़ाहिर है सर्व करने का मौका मिलता है आपको। लेकिन ये ज़्यादातर ऑफिस जॉब होती है और एज सच फील्ड जॉब की तरह जो है नहीं होती। CSS एग्ज़ाम पास करने के बाद फ़र्ज़ करें आप फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेट हुए हैं तो आप सबसे पहले सिविल सर्विसेज एकेडमी जाएंगे, जहां तकरीबन आप जैसे बहुत सारे और ऑफिसर होंगे जो सब सर्विसेज के होंगे, वहां सब लोग मिलकर 6 माह तक ट्रेनिंग करते हैं जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, और उसके ऊपर मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाई हुई है कि सिविल सर्विसेज एकेडमी के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है, उसका लिंक भी आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। 6 माह सिविल सर्विसेज एकेडमी में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने के बाद और उसके बारे में अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट के बाद आपको जो है फॉरेन सर्विस एकेडमी में भेजा जाता है जो इस्लामाबाद में है। वहाँ 9 मंथ्स की या 8 मंथ्स की जो है स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहाँ आपको डिप्लोमेट बनना सिखाया जाता है। आपको बताया जाता है कि आपने अब दूसरे मुल्कों में जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, और इवन अगर आप पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं तो आपकी रोज़मर्रा की जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगी वो दूसरे मुल्कों के डिप्लोमेट्स के साथ होगी। आपने बहुत सारे डिनर्स में जाना है, वहाँ के क्या टिकेट्स हैं, आपने कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है किस तरीके से की जाती है, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल इकोनॉमी पढ़ाई जाती है, डिप्लोमेसी के फंडामेंटल्स पढ़ाए जाते हैं, और ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आपको एक अच्छा डिप्लोमेट बनने में मददगार साबित हो। फॉरेन सर्विसेज एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग करने के दौरान नॉर्मली फॉरेन ट्रिप्स भी होते हैं, एक आधे मुल्क के अंदर आपको लेके जाया जाता है। फॉरेन सर्विस में ट्रेनिंग के दौरान एक फॉरेन विजिट भी होता है जिसके अंदर आपको दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट का सिस्टम दिखाया जाता है और आपको बताया जाता है कि फ्यूचर में आपने किस तरह से काम करना है। तो 8 मंथ्स के बाद आपकी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म होता है और आप एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेन सर्विसेज की जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर आप एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते हैं। अब वहाँ आपका क्या काम होता है, वहाँ 2-3 तरह का काम होता है। एक तो ये है कि आपको डेस्क दे दिए जाते हैं कि आप अफ्रीका डेस्क पे हैं, आप यूरोप डेस्क पे हैं, आप अफगानिस्तान डेस्क पे हैं, और उसके अंदर आपके जो उन मुल्कों के अंदर डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं उधर सर्व कर रहे हैं उनके साथ कोरिस्पॉन्डेंस जो है वो आपने करनी होती है। दूसरा काम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है जो मिनिस्ट्री को चलाने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर आप HR में लग सकते हैं, जनरल एडमिन में लग सकते हैं, प्रोटोकॉल में लग सकते हैं, और इसी तरीके से कुछ लोग जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन सेक्रेटरी के ऑफिस में एज स्टाफ ऑफिसर काम करते हैं। तो तकरीबन 1-1.5 साल जो है फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के अंदर आप आने के बाद आप जो है वो एज असिस्टेंट डायरेक्टर इस्लामाबाद के अंदर सर्व करते हैं। इस दौरान आपको रहाइश के लिए हॉस्टल दिया जाता है और आपके पास जो है वो एज सच व्हीकल और घर जैसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत कम अवेलेबल होती हैं। इसी तरीके से इस दौरान आपकी सैलरी वही होती है जो नॉर्मल 17 ग्रेड की सैलरी होती है। आप आसानी से इंटरनेट से चेक कर सकते हैं कि 17 ग्रेड का लेक्चरर या 17 ग्रेड का इंजीनियर या फॉरेन सर्विस का ऑफिसर जो है वो कितनी सैलरी लेता है।
लेकिन ये है कि आप साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में रहते हैं, इस्लामाबाद में आपको एक अच्छी रहाइश दी जाती है और आपका काम जो होता है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। फॉरेन सर्विस के ऑफिसर जो होते हैं वो जब भी फ्यूचर में किसी भी ट्रेनिंग्स में बाकी सर्विस के लोगों के साथ मिलते हैं तो सारे लोग ये देखते हैं कि वो बहुत अच्छे पॉलिश्ड और बहुत क्रीम ऑफ द नेशन जो हैं वो मालूम होते हैं और उनके अच्छे खासी डेलिकेसीज और बहुत अच्छे जो है उनके एटिकेट्स होते हैं। तो एक डेढ़ साल जो है फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर काम करने के बाद जब आपको इन्स एंड आउट्स पता चल जाती हैं कि किसी मुल्क की फॉरेन मिनिस्ट्री कैसे चलती है तो आपको एक साल के लिए लैंग्वेज कोर्स पे भेज दिया जाता है। अब लैंग्वेज कोर्स क्या होता है, जाहिर है आपने डिफरेंट मुल्कों के साथ कोरिस्पॉन्ड करना है और बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर और आपको जो है ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी एक लैंग्वेज के अंदर महारत हासिल हो ताकि आप फ्यूचर में जब भी कोई एग्रीमेंट हो या जब भी कोई काम हो तो आप उस लैंग्वेज से रिलेटेड एग्रीमेंट्स कर सकें, उन लोगों के साथ कोरिस्पॉन्ड कर सकें और उन लोगों के साथ बेहतर तरीके से डील कर सकें, निगोशिएट कर सकें। तो लैंग्वेजेस जो हैं वो 8-10 के करीब होती हैं, उसमें आपके मेरिट के मुताबिक और आपकी चॉइस के मुताबिक नंबर आता है। कुछ लोग रशिया चले जाते हैं रशियन लैंग्वेज सीखने, कुछ लोग इजिप्ट या लेबनान चले जाते हैं अरेबिक सीखने, फ्रांस चले जाते हैं फ्रेंच सीखने, जर्मनी चले जाते हैं जर्मन सीखने। इस तरीके से 10 के करीब जो लैंग्वेजेस हैं वो आपको सीखनी पड़ती हैं अदर दैन इंग्लिश, यानी कि कोई एक लैंग्वेज आप चूज़ करते हैं और वो सीखते हैं और इस साल के दौरान आप उस मुल्क में एज़ अ थर्ड सेक्रेटरी काम करते हैं। थर्ड सेक्रेटरी क्या होता है, थर्ड सेक्रेटरी 17 ग्रेड के असिस्टेंट डायरेक्टर के इक्विवेलेंट पोस्टिंग होती है। जब बाहर पोस्ट होते हैं तो इस पोस्ट का ये नाम होता है। ये बड़ा इंजॉयबल पीरियड होता है, इसके दौरान आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, आप एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट की तरह फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं, लेकिन आपके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ये होते हैं कि आपको फॉरेन कंट्री अलाउंस मिलता है जो उतना ही होता है जितना यूएन के डिप्लोमेट्स को मिलता है। इसके अलावा आपको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलते हैं और आपका वतन वापस आने के लिए छुट्टी भी मिलती है और उसके लिए जो है TADA भी मिलता है वतन वापस आने के लिए छुट्टी के दौरान। तो एक साल के दौरान आप अच्छा खासा उस कल्चर में अपने आप को इमर्स करके वो वाली लैंग्वेज सीखते हैं। मुझे ये सबसे फेवरेट पार्ट लगता है फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का कि आपको पैसे देकर एक कल्चरल एक्टिविटी के अंदर इमर्स किया जाता है। जब आप वापस आते हैं तो एक डेढ़ साल जो है तो वापस आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर सर्व करते हैं और फिर आपकी पोस्टिंग आ जाती है बाहर की। अब से मज़ेदार पार्ट स्टार्ट होता है, अब जो है वो आप 3 साल एक मुल्क में रहेंगे और 3 साल किसी दूसरे मुल्क में रहेंगे और उसके बाद फिर 1.5 साल वापस पाकिस्तान रहेंगे और फिर रिपीट पे लग जाएगा, मतलब फिर दोबारा 3 साल 3 साल और फिर 1.5 साल, फिर 3 साल 3 साल और 1.5 साल। जब आप बाहर पोस्टेड होते हैं तो आपकी सैलरी इतनी अच्छी होती है कि आप सेविंग्स भी कर लेते हैं और आप अच्छा लाइफस्टाइल भी गुजारते हैं। पहले अगर आप थर्ड सेक्रेटरी बाहर पोस्ट होते हैं तो वहाँ आप पॉलिटिकल डेस्क के ऊपर होते हैं और उस मुल्क की जो क्रीम होती है, उस मुल्क के जो मिनिस्टर्स होते हैं, उस मुल्क की जो डिप्लोमेसी होती है उसके साथ आप डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट होते हैं। वहाँ रहने के लिए आपको अच्छा घर भी दिया जाता है, आपके बच्चों की 2 बच्चों तक की तालीम जो है उसके लिए भी अच्छा खासा स्टाइपेंड दिया जाता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, फिर उस मुल्क के अंदर बहुत सारी यूटिलिटीज़ जो है वो आपको फ्री होती हैं क्योंकि आप उस मुल्क के मेहमान होते हैं, स्टेट गेस्ट के तौर पे होते हैं। आपके पास डिप्लोमेट पासपोर्ट होता है, आप किसी भी मुल्क के अंदर वीज़ा आसानी से लगवा के जा सकते हैं। एयरपोर्ट्स पे आपके लिए जो है वो डिप्लोमेट लाउंजेस होते हैं जिसके अंदर आप स्पेशली आपके लिए बने होते हैं, आप वहाँ बैठ सकते हैं। फिर कस्टम ड्यूटीज़ और इस तरह की चीज़ों से आप लोगों को अक्सर जो है वो रियायत होती है और आप ईज़िली अपनी चीज़ें अपने मुल्क में लेके आ सकते हैं। तो ये बड़ा इंजॉयबल सा पीरियड होता है, इसके अंदर 17 ग्रेड पे आप थर्ड सेक्रेटरी होते हैं, 18 ग्रेड के ऊपर आप सेकंड सेक्रेटरी होते हैं, 19 ग्रेड के ऊपर आप फर्स्ट सेक्रेटरी होते हैं और उसके बाद 20 ग्रेड से आप एम्बेसडर बनना स्टार्ट कर देते हैं। 20, 21 और 22 के ऊपर आप एम्बेसडर या हाई कमिश्नर होते हैं। जो मुल्क कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंदर आते हैं वहाँ एम्बेसडर को हाई कमिश्नर कहा जाता है, जो मुल्क कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंदर नहीं आते उनको एम्बेसडर कहा जाता है। इसी तरीके से फॉरेन सर्विस के अंदर जब आप बाहर सर्व कर रहे होते हैं तो एक दूसरी स्ट्रीम भी होती है और वो होती है कॉन्सुलेट के अंदर सर्व करना। जो एम्बेसी होती है वो किसी भी मुल्क के अंदर इस काम के लिए होती है कि उस मुल्क की गवर्नमेंट के साथ कोरिस्पॉन्डेंस की जाए और जो कॉन्सुलेट होता है वो इस काम के लिए होता है कि उधर जो मौजूद पाकिस्तानी हैं उनके मसले हल किए जाएं, उनके लिए जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल इस तरीके से जैसे किसी तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर होता है, इसी तरीके से किसी दूसरे मुल्क के अंदर कौंसिल्स होते हैं जो अपने लोगों की जो तारकिन वतन होते हैं, जो इमिग्रेंट्स होते हैं पाकिस्तानी, उनको हेल्प करते हैं, उनके जो पाकिस्तान से रिलेटेड इशूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं।
ये बिल्कुल एक अच्छी खासी पोजीशन होती है और लोग ये भी बनना पसंद करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए वो बहुत बड़े अफसर होते हैं और उनको जितनी चाहें अपने लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके के साथ जो है फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो डेपुटेशन के ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस में चले जाते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, यूनिसेफ यूनेस्को में चले जाते हैं। इसी तरीके से अगर डेपुटेशन पे ना भी जाएं तो पाकिस्तान की अपनी सीटें, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं यूएन के अंदर और डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज़ के अंदर, उसके अंदर सर्व करने का मौका मिलता है। तो पूरा करके जो बात होता है वो बड़ा ही खूबसूरत और मज़ेदार होता है। आपने या तो इस्लामाबाद में सर्व करना है या किसी भी मुल्क के कैपिटल के अंदर सर्व करना है और उस कैपिटल के अंदर भी आपको एक अच्छे तबके के अंदर जो है वो रसाई होती है और आप एक अच्छी जगह पर रहते हैं। हाँ, जो हमारे कॉन्सुलेट्स होते हैं वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर होते हैं, जैसे फ्रांस का कॉन्सुलेट जो है वो लाहौर में भी होगा, इस्लामाबाद में भी होगा, लेकिन बड़े शहरों के अंदर आपको जो है वो सर्व करना होता है। फिर उनकी अपनी कम्युनिटीज़ जो हैं, आपकी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप्स होती हैं, आप डिफरेंट डिप्लोमेट्स के साथ जब मिलते हैं, डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं, डिफरेंट आपकी जो है वह इंगेजमेंट्स होती हैं डिफरेंट तरह की, तो उसके अंदर आप बहुत कुछ एक दूसरे से सीखते हैं। और अगर आप जो है वो ये चाहते हैं कि आप फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान की ऑफिसर्स की लाइफ के बारे में मज़ीद पढ़ें तो बहुत सारे डिप्लोमेट्स ने अपनी लाइफ हिस्ट्री के ऊपर किताबें भी लिखी हुई हैं, तो अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे जो बेस्ट बुक लगी थी वो एक करियर डिप्लोमेट की तो नहीं थी, लेकिन एक ऐसे एम्बेसडर की थी जो 44 ईयर्स की एज के अंदर जो है वो एम्बेसडर लगना स्टार्ट हुए थे और एंड लाइफ तक एम्बेसडर रहे थे। उनका नाम था जमशेद मार्कर और उन्होंने एक बुक लिखी थी क्वाइट डिप्लोमेसी, बहुत ही शानदार बुक थी और उन्होंने सारी अपनी जो डिप्लोमेटिक वर्क्स थे उसके बारे में लिखा था कि वो किस तरीके के साथ किसी मुल्क में जाते थे, वहाँ किस तरीके से मुख्तलिफ पाकिस्तान की मुश्किलें हल करते थे और पाकिस्तान के लिए अच्छी राहें हमवार करते थे। इसी तरीके से एम्बेसडर एजाज चौधरी जो करियर डिप्लोमेट हैं उन्होंने भी बुक लिखी है, और उसके अलावा बहुत सारे और लोगों की भी बुक्स आपको अवेलेबल होंगी अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं। फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बाकी सर्विसेज की तरह बिल्कुल भी नहीं है जिसमें आप इनलैंड ही सर्व करते हैं, बल्कि इसके अंदर एक बड़ा हाइब्रिड सा सिस्टम है जिसके अंदर आप 2/3 करियर जो है वो बाहर सर्व करते हैं और 1/3 इन पाकिस्तान सर्व करते हैं, और यही वजह है कि ये सर्विस जो है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप मज़ीद सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं ताकि मैं अगली वीडियोस इस हिसाब से बनाऊँ।